हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ मैकबेथ। मैं आज आपको मैकबेथ की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दिस इज़ ए ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर द्वारा लिखी गई ये एक महान ट्रेजेडी है। व्हाट द ट्रेजेडी इज़, ट्रेजेडी होती क्या है? ट्रेजेडी ऑलवेज डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। इट इंस्पायर्स अस पिटी एंड फियर। जो रीडर में पिटी और फियर को अराउज करे। पिटी और फियर का मतलब क्या होता है? पिटी मतलब दया, फियर मीन्स भय। पिटी और फियर को जो अराउज करे, दैट इज ट्रेजेडी। बिकॉज थ्रू दिस वे इट प्यूरीफाइज द फीलिंग्स। ये फीलिंग को प्यूरीफाई करती है। इसको हम कैथारसिस बोलते हैं, पर्गेशन ऑफ आवर इमोशंस। एंड द स्टोरी यूजुअली कन्वेज इट्स ऑन मॉरल। एक नैतिक शिक्षा हमें मिलती है। एंड देर इज अ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रेस, सीरियस एक्सीडेंट्स, ये सब इसमें होता है। ह्यूमन सफरिंग है, क्राइम है, ये सब ट्रेजेडी की मेन विशेषताएं हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू द कैरेक्टर्स। थ्री विचेस है इसमें, तीन चुड़ैले हैं, देन मैकबेथ और बैंको है जो कि राजा की आर्मी के जनरल है। किंग डंकन, डंकन डंकन इज द नेम ऑफ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के राजा का नाम है। देन मैलकॉम और डोनाल्बेन, ये राजा के बेटे हैं। लेडी मैकबेथ है जो मैकबेथ की वाइफ है। मैकडफ है जो नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड है। लेडी मैकडफ इसकी वाइफ है। एक पॉटर है जो कॉमिक रिलीफ का काम करेगा, पॉटर वाला सीन, ठीक है। रॉस, लिनॉक्स, एंगस, ये नोबल मैन है स्कॉटलैंड के। सिवार्ड जो है ये अर्ल ऑफ नॉर्दम्बरलैंड है, जो जनरल ऑफ किंग्स फोर्सेस, इंग्लिश फोर्सेस का जनरल भी है, जो कि लास्ट में मैकडफ की मदद करेगा। देन यंग सिवार्ड इसका बेटा है। सो लेट्स स्टार्ट, होता क्या है? द फर्स्ट सीन इज अ स्मॉल सीन, एक छोटा सा सीन है पहला सीन। थ्री विचेस मीट ऑन ए लॉनली हीथ, एक एकांत की जगह पर तीन चुड़ैले आपस में मिलती है। दे प्लान टू मीट मैकबेथ ऑन हिज विक्टोरियस रिटर्न फ्रॉम द बैटल फील्ड। ये प्लान करती है कि जो मैकबेथ और बैंको रिटर्न करके हैं, जीत कर आ रहे हैं, उससे मिलने का प्लान करती है। होता क्या है, बैंको एंड मैकबेथ फाउट ब्रेवली अगेंस्ट मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड जो था उसके अगेंस्ट में ये दोनों लड़कर आए थे, मैकडोनल्ड को हरा कर आए थे। मैकडोनल्ड कौन था? ही वॉज़ ए रिबेल और ट्रेटर, मतलब देशद्रोही था। तो इसको ये हरा कर और ये लोग वापस आ रहे थे। नाउ रॉस जो था ये राजा है, ओके। हियर किंग डंकन, हिज टू सन्स मैलकॉम एंड डोनाल्बेन आर वेटिंग ईगरली इन ए कैंप। ये सब वेट कर रहे थे अपने दोनों जनरल्स का, राजा और उसके दोनों बेटे। देन वेरी सून रॉस, एक रॉस होता है जो नॉबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड होता है, यहाँ का एक इस राजा का ही एक नॉबल मैन होता है। यह आकर बताता है, रिपोर्ट्स दैट द किंग ऑफ नॉर्वे हैड कम टू हेल्प मैकडोनल्ड द थेन ऑफ कॉर्डर। जो मैकडोनल्ड था, जो उसको ये टाइटल मिला हुआ था, थेन ऑफ कॉर्डर, CAWDOR, ठीक है, मतलब ये पदवी उसको मिली हुई थी मैकडोनल्ड को। तो वो बता रहा है, रॉस बता रहा है कि जो मैकडोनल्ड था, थेन ऑफ कॉर्डर था, वो उसकी हेल्प करने कौन आया था? किंग ऑफ नॉर्वे। एवन देन द विक्ट्री फेल टू मैकबेथ। तब भी कौन जीता? मैकबेथ ही जीता। ओके, द किंग डंकन इज प्लीज्ड एट दिस मैसेज। किंग डंकन इस मैसेज को सुनकर बड़ा खुश होता है कि उसके जनरल की विजय हुई है। देन एंड ऑर्डर्स टू एग्जीक्यूट मैकडोनल्ड, और वो कहता है कि मैकडोनल्ड को सजाए मौत दे दो, उसको मार दो, द थेन ऑफ कॉर्डर जो था। ही सेंड्स रॉस टू ऑनर मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर। अब ये रॉस को कहता है कि तुम जाओ और मैकबेथ को इस टाइटल के साथ बुलाओ, मतलब अब ये राजा मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना देता है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। देन वाट हैपन्स, ये जो थ्री विचेस थी, ओके, दीज थ्री विचेज हेल मैकबेथ एंड ग्रीट हिम बाय थ्री टाइटल्स। ये जब मैकबेथ और बैंको आते हैं तो इसको, इसका स्वागत करती है और इसको तीन टाइटल से बुलाती है। वो तीन टाइटल क्या होते हैं? दैट आर थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लैमिस और किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये तीनों टाइटल से मैकबेथ को बुलाती है। दे डिक्लेयर दैट बैंको इज़ लेस देन मैकबेथ बट ग्रेटर। वो कहते हैं कि बैंको भी महान है लेकिन मैकबेथ से ज़्यादा नहीं है। दे से दैट बैंको विल बी फादर ऑफ किंग्स, और वो ये कहती हैं कि बैंको है वो राजाओं का, मतलब राजा का पिता बनेगा, मतलब इसके पुत्र राजा बनेंगे। और मैकबेथ, ये तीनों टाइटल मैकबेथ को मिलेंगे, ये ऐसी प्रोफेसी करती है, ये ऐसे भविष्यवाणी करती है। ओके, बट ही हिमसेल्फ वुड नेवर बी ए किंग, और वो ये भी कहती है कि बैंको खुद कभी राजा नहीं बनेगा। देन सून रॉस एंड अगस्ट कम एंड अनाउंस दैट द किंग डंकन इज प्लीज टू मेक मैकबेथ द टाइटल ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर। तभी शीघ्र ही रॉस आता है और
मैकबेथ को बुलाता है इस टाइटल के साथ, कहता है कि तुम्हें राजा ने थेन ऑफ काउडर बना दिया. ओके, दस द फर्स्ट टू प्रोफेसीज ऑफ द विचेस कम ट्रू इमीडिएटली. अब दो प्रोफेसीज, दो भविष्यवाणी विचेस की सत्य हो जाती है. ये थेन ऑफ काउडर भी बना दिया जाता है, ये थेन ऑफ ग्लैमिस भी बना दिया जाता है. ओके, दिस कन्विंस मैकबेथ दैट द थर्ड प्रोफेसी ऑफ हिज बिकमिंग द किंग ऑफ स्कॉटलैंड विल ऑल्सो कम ट्रू. अब इससे मैकबेथ के दिमाग में आता है कि उन्होंने जो तीसरी भविष्यवाणी की थी विचेस ने कि मैं स्कॉटलैंड का राजा भी बनूंगा, फिर तो वो भी सत्य हो जाएगी. ओके, नाउ मैकबेथ इज लॉस्ट इन थॉट. अब ये विचारों में खो जाता है. ही फील्स दैट ही कैन गेट द थॉर्न ऑफ स्कॉटलैंड बाय मर्डरिंग द किंग. वो कहता है लेकिन मैं राजा तो तभी बन सकता हूँ जब मैं इसका राजा का मर्डर कर दूँ. ओके, बट ही इज हॉरीफाइड एट द थॉट ऑफ मर्डर. लेकिन फिर भी वो डरता है कि वो कैसे उसका मर्डर करेगा, तो वो उसको छोड़ देता है उस बात को एक बार. देन मैकबेथ हैड रिटर्न ए लेटर टू हिज वाइफ अबाउट द थ्री प्रोफेसीज सून आफ्टर हिज मीटिंग द विचेस. अब मैकबेथ क्या करता है, अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को लेटर लिखता है और उन तीनों विचेस, उन तीनों चुड़ैलों ने जो प्रोफेसी की थी, जो भविष्यवाणी की थी, उसका इस लेटर में वो अपनी वाइफ को बताता है. ही हैज़ ऑल्सो रिटर्न हाउ द टू प्रोफेसीज बिकम ट्रू. और वो ये भी बताता है कि दो भविष्यवाणी कैसे सत्य हो गई. शी एट वंस कम टू द कंक्लूजन दैट द किंगशिप ऑफ स्कॉटलैंड कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय मर्डरिंग द किंग डंकन. अब वो जैसे ही लेटर पढ़ती है ना, वो सीधा डिसीजन पर पहुंच जाती है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब राजा को मर्डर कर दिया जाए, मार दिया जाए. ओके, जस्ट देन ए मैसेंजर कम्स इन विद द न्यूज़ दैट किंग डंकन इज कमिंग टू स्टे एट हर कासल फॉर द नाइट. तभी एक सेवक आता है, मैसेंजर आता है और वो सूचना देता है कि आज रात को राजा आपके महल में रुकने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर ऑनर करने के लिए, मैकबेथ को ऑनर सम्मान देने के लिए वो आज रात को आपके महल में रुकेंगे. नाउ शी इन्वोक्स द डेडली स्पिरिट ऑफ अनसेक्स हर एंड हार्डन हर हार्ट टू मर्डर द किंग. अब ये अपने दिल को और मजबूत कर लेती है, मतलब जो औरत होने की जो गरिमा थी ना, उसको ये छोड़ देती है और राजा को मारने की इस बात इसके दिमाग में आने लग जाती है. ओके, एट दिस टाइम मैकबेथ अराइव्स एंड ही इज़ लविंगली ग्रीटेड बाय हर. तभी क्या होता है, मैकबेथ आता है, वो उसका बड़े लविंगली उसका स्वागत करती है. देन शी सजेस्ट थ्रू मैकबेथ दैट द ओनली वे टू गेट द थ्रॉन ऑफ स्कॉटलैंड इज़ टू मर्डर द किंग. और वो उसको ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है स्कॉटलैंड का राज्य पाने का, कि तुम राजा को मार दो. शी इवन गेट्स रेडी टू टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्डरिंग द किंग अपॉन हर. और वो सारी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए भी तैयार हो जाती है. ओके, देन डंकन अराइव्स एट मैकबेथ्स कासल. डंकन राजा आ जाते हैं मैकबेथ के कासल पे, महल में आ जाते हैं. ओके, डंकन सन है, उसके दोनों बेटे उसके साथ होते हैं, बैंको होता है, ये सब उसके साथ आते हैं. सून लेडी मैकबेथ कम्स एंड ग्रीट्स हिम, उनका स्वागत करती है, सभी का बहुत अच्छे से वो स्वागत करती है. लेडी मैकबेथ हैज़ डंकन्स मर्डर इन हर माइंड एट द मोमेंट. इसके दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि राजा का कैसे भी करके मर्डर कर दिया जाए. लेकिन होता क्या है, बट मैकबेथ इज स्टिल इन स्टेट ऑफ इनडिसीजन. मैकबेथ जो होता है वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाता. ही थिंक्स दैट ही इज़ ए गुड किंग, कि वो अच्छा राजा है, कैसे मारूँ, इस तरह से ही इज़ थिंकिंग अबाउट द किंग. ओके, बट लेडी मैकबेथ जो होती है, लेडी मैकबेथ कम्स एंड चेस्टिसाइज हिम विद द वैलर ऑफ हर टंग. अपनी टंग के मतलब बातों से उसको मना ही लेती है. एंड शी सस्पेक्ट्स हिज लव फॉर हर एंड कॉल्स हिम ए कोवार्ड. वो कहती है तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते और तुम एक डरपोक इंसान हो, ये सब उसको बोलती है. देन शी अल्टीमेटली प्रिवेल्स ओवर मैकबेथ एंड मैकबेथ यील्डिंग टू हर विल. लास्ट में ये इसको मना लेती है, रिजॉल्व्स टू फॉलो हर एडवाइस फॉर मर्डरिंग द किंग. और डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी एडवाइस फॉलो करूँगा और उसका मर्डर कर दूंगा. आफ्टर द फीस्ट इज ओवर, फीस्ट जब ख़त्म हो जाती है, पार्टी वगैरह ख़त्म हो जाती है, किंग डंकन इज़ गोन टू हिज चैम्बर टू स्लीप. किंग डंकन सोने के लिए अपने वहाँ चले जाते हैं. ओके, देन द ब्लडी पॉइंट ऑफ द ऑन द डैगर शोज हिम द पाथ टू डंकर्स चैम्बर. अब जो मैकबेथ होता है उसको एक इमेजिनेशन में ऐसे लगता है जैसे एक चाकू है और वो उसको डंकन के चैम्बर की रूम की तरफ लेकर जा रहा है. सून ही हियर्स ए बेल रिंग विच इज़ द सिग्नल गिवन बाय लेडी मैकबेथ. अब मैकबेथ को एक रिंग सुनाई देती है जो लेडी मैकबेथ उसको बता रही है कि जाओ अब उसका मर्डर कर दो. ओके,
और होता क्या है, लेडी मैकबेथ गिव्स हैवी डोज ऑफ वाइन टू द गार्ड्स एट द गेट ऑफ द किंग्स चैम्बर। जो राजा के जो बाहर पहरेदार होते हैं ना, लेडी मैकबेथ उनको नशे की दवाई देकर उनको ऑलरेडी बेहोश कर चुकी होती है। ओके, देन आफ्टर सम टाइम मैकबेथ सून कम्स आउट फ्रॉम किंग्स चैम्बर इन अलार्म एंड टेल्स लेडी मैकबेथ दैट ही हैज़ मर्डर्ड द किंग। थोड़ी देर बाद वो राजा के महल से बाहर आता है मैकबेथ और कहता है कि उसने राजा को मार दिया। ही ऑल्सो टेल्स लेडी मैकबेथ दैट ही हियर्स स्ट्रेंज क्राइज इन द एयर। वो कहता है मुझे हवा में एकदम चीखे सी सुनाई दे रही थी, मतलब एक फियर का एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है उस टाइम। ओके, लेडी मैकबेथ लाव्स एट हिम, वो उसकी मजाक बनाती है और कहती है सेज दैट अ लिटिल वाटर विल क्लियर हिज हैंड, कि थोड़े से पानी से तुम्हारे हाथ साफ हो जाएंगे, टेंशन मत करो। तभी क्या होता है, एक कॉमिक रिलीफ का सीन आता है, पोर्टर सीन जिसको बोलते हैं। एक पोर्टर स्टेज के ऊपर दिखाई देता है और पोर्टर एंटर करता है और वो हेल गेट का कुछ वहाँ पर प्ले शो करता है। ठीक है, नॉक होता है गेट पर और हर नॉक में वो तीन जनों को प्रेजेंट करता है, फार्मर को, ज्यूसूट को, इंग्लिश टेलर को। ओके, जो फार्मर होता है, वी कैन से फार्मर हु ट्राइड टू मेक मनी आउट ऑफ स्कैर्सिटी इन द लैंड बाय होल्डिंग कॉर्न बट हु हैंग हिमसेल्फ इन डिसअपॉइंटमेंट व्हेन ही सॉ दैट द प्राइस वुड कम डाउन। वो अपनी छोटी सी लैंड से कमाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कमा पाता, डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है। ज्यूसूट होता है वो हु स्वोर बोथ ऑन द राइट साइड एंड रॉन्ग, जो दोनों राइट और रॉन्ग साइड दोनों तरफ की कसम खाता है। देन इंग्लिश टेलर होता है, ओके, जो हु चीटेड हिज कस्टमर्स आउट ऑफ द क्लोथ गिवन टू हिम। ठीक है, जो भी अपने वो अपने कस्टमर्स को चीट करता रहता है। तो इस तरह से ये पोर्टर का सीन आता है, पोर्टर ने ड्रिंक किया होता है, तो इस तरह से ये एक थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ हो जाता है। राजा के मर्डर के बाद जो एक हॉरर का एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है जो वहाँ पे दर्शक होते हैं उनको। तभी क्या होता है, द मैकडफ मैकडफ केम मैकडफ आ जाता है मैकडफ आता है देन मैकडफ प्रोसीड्स टू किंग्स चैम्बर होम ही वॉन्ट्स टू राउज अर्ली। ये राजा के चैम्बर की तरफ जाता है मैकडफ, कि मुझे राजा को जल्दी जगाना है। ओके, मैकडफ इमीडिएटली कम्स बैक क्राइंग हॉरर हॉरर, मैकबेथ एंड लिनॉक्स लर्न फ्रॉम हिम दैट द किंग हैज़ मर्डर्ड इन हिज बेड एंड दे एट वंस हेसन टू द किंग्स बेडरूम। वो आके कहता है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और लिनॉक्स और जो अदर्स जो लोग थे वहाँ पर, वो सभी को बताता है कि राजा की तो मृत्यु हो चुकी है, मर्डर हो चुका है राजा का तो। ओके, लेडी मैकबेथ प्रिटेंड्स टू बी एज अमेज्ड एज एनीबडी एल्स, जैसे सब ने आश्चर्य किया वैसे ही लेडी मैकबेथ भी आश्चर्य करती है, वो भी फेंट होने का थोड़ा सा ड्रामा करती है इस तरह से, एज दे डोंट नो एनीथिंग। इस तरह से यहाँ पर ये सीन ख़त्म होता है। देन उसके बाद मैकडफ ये भी बताता है कि इन्फॉर्म्स देम दैट मेलकॉम एंड डोनाल्बन हैव फ्लेड अवे आफ्टर देयर फादर्स मर्डर, कि जो राजा के जो दोनों बेटे थे ना, वो दोनों यहाँ से भाग गए हैं। तो हो सकता है कि वही उन्होंने ही राजा को मारा हो। रॉस नाउ टेल्स देम दैट मैकबेथ हैज़ बीन नेम्ड द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब रॉस जो होता है वो ये भी बताता है कि अब तो मैकबेथ ही राजा बन सकता है, क्योंकि बेटे तो दोनों भाग गए। बेटे इसलिए भाग जाते हैं बिकॉज दे थिंक दैट देर आर डिज़ाइंस ऑन देयर लाइव्स एज वेल, मीन्स दे आर एप्रीहेंसिव ऑफ डिज़ाइंस। ये जो यहाँ पर जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, तो वो उनकी लाइफ के ऊपर खतरा हो सकती है, उनको ऐसा लगता है, इसलिए वो भाग जाते। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि अब तो राजा बनने के लायक कौन है, मैकबेथ ही है। नाउ मैकबेथ इज़ नाउ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, अब मैकबेथ जो होता है वो स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। ओके, बैंको थिंक्स अबाउट व्हाट हैज़ हैपन्ड, बैंको सोचता है ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। ओके, ही नोज़ द रियलिटी एज टू हु हैज़ मर्डर्ड द किंग, इसको पता था कि राजा की हत्या कौन कर सकता है, क्योंकि दो भविष्यवाणी चुड़ैलों की जो सत्य हुई थी, तीसरी राजा बनने की थी, तो कौन कर सकता है, बैंको तो उसके साथ ही था ना, बैंको वॉज विथ मैकबेथ। नाउ मैकबेथ इज़ नाउ अफ्रेड ऑफ बैंको एंड हिज सन फ्लियंस, अब मैकबेथ को किसका डर था, मैकबेथ को एक तो बैंको का डर था, एक इसके बेटे का, क्योंकि उन्होंने ये भी तो भविष्यवाणी की थी कि बैंको के बेटे राजा बनेंगे। ओके, तो मैकबेथ को इसका भी डर था। नाउ मैकबेथ इज रिमाइंडेड ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द थ्री विच इज दैट बैंको सन विल बी द किंग, सो ही प्लान्स मर्डर ऑफ बैंको एंड हिज सन फ्लियंस। अब इसके दिमाग में क्या प्लान आता है, क्यों ना बैंको का भी मर्डर कर दिया जाए और उसके बेटे का भी मर्डर कर दिया जाए। ही कॉल्स इन टू मर्डरर्स एंड कॉशियसली इन्फ्लेम्स देम अगेंस्ट बैंको, दो मर्डरर्स को वो बुलाता है, दो हत्यारों को, और उनको बैंको की हत्या करने के लिए बोलता है। ओके,
Then Macbeth tells his wife that he is not feeling safe and there can be no peace of mind until the danger is completely removed. वो अपनी वाइफ को ये भी कहता है कि जब तक ये डेंजर पूरी तरह से नहीं हट जाएगा ना, बैंको और फ्लियंस वाला, तब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकता. नाउ बैंको इज स्लेन बाय द मर्डरर्स. बैंको को मार दिया जाता है मर्डरर्स के द्वारा, हत्यारों द्वारा. ही वांट्स हिज सन फ्लियंस टू रन अवे. वो अपने बेटे को वार्न करता है, चेतावनी देता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ. द मर्डरर्स आर डिसअपॉइंटेड व्हेन फ्लियंस एस्केप्स. फ्लियंस भाग जाता है और ये बच जाते हैं मर्डरर्स. हत्यारे इस बात से बड़े दुखी होते हैं. नाउ ए फीस्ट ऑनर द नॉबल्स ऑफ द किंगडम इज बीइंग गिवन बाय मैकबेथ. अब मैकबेथ राजा बना था तो इसके द्वारा एक पार्टी दी जा रही थी इधर महल के अंदर. द गेस्ट हैव असेंबल्ड. बहुत सारे गेस्ट वहां पर जमा हो गए थे. ओके, दे आर कॉर्डियली वेलकम्ड. सबका बड़ा स्वागत किया जा रहा था, ये सब हो रखा था. अब तभी क्या होता है, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंको ऑन द सीट विच वॉज मीन्ट फॉर मैकबेथ. जो उसको बैंको का घोस्ट दिखाई देता है, मतलब भूत दिखाई देता है जिसको उसने अभी अभी मरवाया था, और वो उसके सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता है. द घोस्ट इज़ विजिबल ओनली टू मैकबेथ. और ये जो भूत था ये केवल मैकबेथ को ही दिखाई दे रहा था. मैकबेथ इज़ अफ्रेड ऑफ द घोस्ट. ये डर जाता है. ओके, द गेस्ट आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द काज ऑफ मैकबेथ्स फियर. अब इनको समझ नहीं आता गेस्ट को कि आखिर ये डर क्यों रहा है, क्या बात हो रही है मैकबेथ के साथ. व्हाई ही इज़ सो मच दैट मस्ट टेरिफाइंग. देन लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन्स दैम दैट दिस इज़ ए टेम्प्रेरी फिट. लेडी मैकबेथ कहती है कोई नहीं, इनको ये दौरा पड़ता है विच ही हैड कॉट इन हिज अर्ली एज. बहुत मतलब छोटी एज से इनको ये दौरा पड़ता है. ही विल बी ऑल राइट इन फ्यू मिनट्स. थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे. एंड द घोस्ट री अपीयर्स. घोस्ट वापस से आता है. देन लेडी मैकबेथ सजेस्ट द गेस्ट टू लीव द कासल. उसके बाद लेडी मैकबेथ गेस्ट को कहती है ठीक है आप लोग चले जाओ, इनकी थोड़ी प्रॉब्लम है दिमाग में, अभी सही नहीं है. ओके, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल नाउ. नाउ मैकबेथ नाउ रिमेंबर दैट मैकडफ डिड नॉट कम टू द फीस्ट. अब मैकबेथ सोचता है कि बैंको को तो मैंने मार दिया, लेकिन जो मैकडफ होता है, ठीक है, MACDUFF, वो फीस्ट में नहीं आया. उसने जो पार्टी दी थी उसमें मैकडफ नहीं आया, ये उसके बारे में सोचता है. He wishes to see the witches the next day to know the worst that is in for him. अब ये सोचता है कि मैं क्यों ना कल उन चुड़ैलों से जाकर वापस मिलूं और पता करूं कि अब क्या होने वाला है मेरे लाइफ में नेक्स्ट. ओके, देन ही सस्पेक्ट्स दैट डंकन एंड बैंको हैव बीन मर्डर बाय मैकबेथ. जो मैकडफ होता है वो सस्पेक्ट करता है, उसको थोड़ा सा शक हो जाता है कि जो डंकन और बैंको है उसको किसने मारा है, मैकबेथ ने मारा है. देन लिनॉक्स टेल्स मैकबेथ. लिनॉक्स बताता है मैकबेथ को कि जो मैकडफ है वो कहाँ गया है. मैकडफ हैज़ गॉन टू इंग्लैंड. वो इंग्लैंड चला गया है. देन मैकबेथ गो टू विचेस. अब मैकबेथ विचेस के पास जाएगा. वेट, या मैकबेथ गोज टू द विचेस अगेन टू हियर वाट दे हैव टू से अबाउट हिज फ्यूचर. कि भाई वो उसके फ्यूचर के बारे में अब क्या बताने जा रही है वो पूछने के लिए वो जाता है. द विचेस यूज देयर मैजिक पावर्स एंड हॉरिबल एपरेशंस आर प्रोड्यूस्ड बिफोर मैकबेथ. वो अपने थोड़ा सा जादू वगैरह दिखाती है उसको और उसको कुछ दिखाई देता है. सबसे पहले उसको क्या दिखाई देता है मैकबेथ को, वो कुछ दिखाती है. द फर्स्ट एपरेशन इज एन आर्म्ड हेड. ठीक है, मतलब एक आर्म में एक सिर है. ठीक है, ये उसको दिखाई देता है और वो उसको बोलता है. ये पहले वो बोलती है उसको फर्स्ट एपरेशन में मैकबेथ 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 एंड वांस हिम अगेंस्ट मैकडफ. इसको मैकडफ के खिलाफ चेतावनी देती है कि तुम्हें मैकडफ से खतरा है, ध्यान रखना मैकडफ से तुम्हें डर है. सेकंड जो एपरेशन उसको दिखाई देती है इन फॉर्म ऑफ ए ब्लडी चाइल्ड. खून में सना बच्चा दिखाई देता है. देन वो कहता है मैकबेथ को टू बी बोल्ड ब्लडी एंड रिजोल्यूट. कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें बोल्ड रहना, डरना मत, दृढ़ निश्चय रहना और खूब खूनी बनना, ब्लडी रहना. ठीक है, एंड इट टेल्स मैकबेथ दैट ही शुड बी अफ्रेड ऑफ नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन. और ये भी कहता है ब्लडी चाइल्ड, मतलब कि तुम्हें उस इंसान से कोई डर नहीं है जो अपनी माँ के गर्भ से जन्मा हो. मतलब जो नेचुरल जिसका बॉर्न हुआ है ना, तुम्हें वो इंसान नहीं मार सकता. नेचुरल बॉर्न हुआ है वो इंसान तुम्हें नहीं मार सकता.
एंड द थर्ड एपरिशन दैट अपीयर्स इज ए क्राउन्ड चाइल्ड, मतलब एक क्राउन्ड चाइल्ड में दिखाई देता है, ऐसे मुकुट लगाया हुआ क्राउन्ड चाइल्ड में. और ये उसको ये भी कहता है कि इट आस्क हिम टू बी प्राउड एंड करेजियस. मैकबेथ शुड नॉट फियर टिल बर्नम वुड कम्स टू हाई डंसन एंड हिल. ये कहता है कि जब तक ये जो जंगल है ना, बर्नम वाला जंगल, ये जब तक तुम्हारे महल तक चलकर ना आ जाए खुद, तब तक तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. ये तीन चीज़ें कहता है उसको. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि तुम बोल्ड रहना, ब्लडी रहना, और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि तुम्हें जो नेचुरल बॉन्ड हुआ है वो इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तीसरी चीज़ जब तक ये जंगल खुद चलकर तुम्हारे महल तक नहीं आएगा तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता. देन द विचेस डांस एंड डिसअपियर. फिर वो वहाँ से चली जाती है तीनों चुड़ैले. देन रॉस कम्स टू लेडी मैकबेथ. अब जो रॉस होता है वो लेडी मैकडफ के पास आता है. ये मैकडफ की वाइफ होती है लेडी मैकडफ, और उसको बताती है कि उसका हस्बैंड जो है वो यहाँ से चला गया है. उसके बाद एक मैसेंजर आकर लेडी मैकडफ को ये भी बताता है दैट मैकडफ इज सेंडिंग सम मर्डरर्स टू किल हर, कि उसको मारने के लिए कुछ मर्डरर्स भेज रहा है मैकडफ. बट शी थिंक्स दैट वाई शी वुड बी किल्ड, उसको कोई क्यों मारेगा, शी इज़ इनोसेंट एंड शी इज़ डूइंग नथिंग रॉन्ग, शी हैज़ डन नो हार्म टू एनी वन, उसने किसी को नुकसान ही नहीं पहुँचा है. लेकिन तभी क्या होता है, मर्डर केम एंड दे किल्ड बोथ हर चाइल्ड, एंड उसको खुद को मार देते हैं, उसके बेटे को मार देते हैं, इस तरह से ये हो जाता है. देन जो मैकडफ होता है ये इंग्लैंड पहुंच जाता है. वहाँ पर वो मैकडफ हैज़ रीच्ड इंग्लैंड ऑन अकाउंट ऑफ द टायरनी ऑफ मैकबेथ. और जो मेलकम होता है द एल्डर सन ऑफ किंग डंकन हैज़ टेकन शेल्टर इन इंग्लैंड कोर्ट. ये यहाँ ऑलरेडी पहले से इंग्लैंड में यहाँ पर शेल्टर लेकर रह रहा होता है, मतलब शरण लेकर रह रहा होता है जो डंकन का बड़ा बेटा होता है मेलकॉम, ये ऑलरेडी यहाँ होता है. तो मैकडफ जाता है और उससे मिलता है. मैकडफ मीट्स मेलकॉम बिफोर द पैलेस ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. वो उससे मिलता है राजा के महल के सामने. मैकडफ कंप्लेन्स ऑफ द वोफुल कंडीशन ऑफ स्कॉटलैंड अंडर मैकबेथ्स क्रूअल रूल. वो बताता है कि कैसे मैकबेथ के एकदम क्रूअल, एकदम बुरे रूल के अंदर कैसे स्कॉटलैंड के लोग परेशान हो रहे हैं. ठीक है, ही थिंक्स दैट मैकडफ इज टेलिंग लाए. पहले तो इसको लगता है कि मैकडफ झूठ बोल रहा है, बट देन ही स्टार्टेड टू ट्रस्ट हिम. उसके बाद वो उसके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है. एट दिस मोमेंट रॉस अराइव्स. तभी रॉस वहाँ आ जाता है. ओके, और उसको बताता है कि टेल्स मैकडफ द सैड न्यूज़ ऑफ द सेवेज मर्डर ऑफ मैकडफ्स फैमिली बाय मैकबेथ. ये बताता है कि मैकडफ तुम्हारी वाइफ और बच्चे को मैकबेथ ने मरवा दिया है. नाउ हियर कम्स अ स्लीप वॉकिंग सीन आता है. स्लीप वॉकिंग सीन क्या होता है, दिस सीन इज़ वेरी फेमस. ये बहुत फेमस सीन है इस प्ले का. जो लेडी मैकबेथ होती है, ओके, शी लॉसेज ऑल कंट्रोल ओवर हरसेल्फ. इसका खुद पर से सारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है. द डॉक्टर हर वॉश्ड हर टू नाइट्स. दो रातों से डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं. हर आईज दो ओपन हैव ए वेकेंट एक्सप्रेशन इन दैम. उसकी आईज हालांकि खुली रहती है, ठीक है, मतलब वो नींदों में तो है, बट हर आईज इज ओपन, कोई एक्सप्रेशन नहीं है. एंड शी कंटिन्यूअली रब्स हर हैंड एज दो शी इज़ वॉशिंग दैम. और वो अपने हाथों को बार बार रगड़ती रहती है. इसको ऐसा लग रहा है कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ है अभी भी, और उनको नींदों में रगड़ती रहती है, रब्स करती रहती है. देन शी क्राइज आउट आउट डैम स्पॉट आउट आई से. बार बार चिल्लाती रहती है कि अरे ये खून के धब्बे हटो मेरे हाथों से, अभी तक हट नहीं रहे. शी अगेन टर्न्स टू हर हैंड्स एंड सेज दैट ऑल द परफ्यूम्स अरेबिया विल नॉट रिमूव द स्मेल ऑफ ब्लड फ्रॉम हर हैंड्स. की अरेबिया का जितना भी परफ्यूम ले आओ वो मेरे हाथों से इस खून की गंध को नहीं मिटा सकते. देन द डॉक्टर आस्क्स द वेटिंग वुमेन टू कीप वॉच ऑन द लेडी मैकबेथ लेस्ट शी शुड अटेम्प्ट सुसाइड. तो डॉक्टर जो वहाँ पर सेविका थी उसको बोलते हैं कि इसका ध्यान रखना, वरना ये सुसाइड करने की कोशिश भी कर सकती है, उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है. ओके, देन सेवरल स्कॉटिश लॉर्ड्स असेंबल टू जॉइन मैलकॉम. अब मैलकॉम आर्मी लेकर आ जाता है मैकडफ के साथ, जो राजा का बेटा होता है वो मैकडफ के साथ. तो जो स्कॉटिश जनरल थे वो आकर उससे मिल जाते हैं, क्योंकि उनको मैकबेथ का राज तो पसंद नहीं था. दे डेजर्टेड मैकबेथ. वो मैकबेथ को छोड़ छोड़ कर आ जाते हैं. दे आर नाउ मार्चिंग टूवर्ड्स बर्नम वुड वेयर दे वुड मीट मैलकॉम एंड सिवार्ड. वो यहाँ पर बर्नम वुड में इस जंगल में मिलते हैं मैलकॉम से और सिवार्ड से. मैकबेथ हैज़ फोर्टिफाइड द ग्रेट कासल ऑफ डनसिन एंड
और मैकबेथ अपने इस महल में है डनसीनन में, क्योंकि वो अश्योर था कि ये जंगल तो चलकर उसके महल तक आ नहीं सकते और जब तक ये नहीं आएंगे वो मर नहीं सकता। ओके, कोई तो कह रहा था, सम से दैट मैकबेथ हैज़ बिकम मैड, मैकबेथ पागल हो गया और इस तरह से वो चल रहा था। देन ही हैज़ नथिंग टू फियर, उसके पास डरने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अनटिल बर्नम वुड मूव्स टू डनसीनन, क्योंकि जब तक कि वो वुड चलकर उसके कासल तक नहीं आए। ओके, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ मेलकॉम एज ही इज़ बॉर्न ऑफ वुमेन एंड नो वन बॉर्न ऑफ ए वुमेन कैन प्रिवेल अगेंस्ट हिम। और इसको मेलकॉम का भी डर नहीं था क्योंकि इसको पता था कि राजा का जो बेटा है वो नेचुरल बॉर्न हुआ है, नेचुरल उसका जन्म हुआ है। देन तभी क्या होता है, एट दैट टाइम सर्वेंट कम्स एंड इन्फॉर्म्स मैकबेथ दैट दिस एनिमीज आर कमिंग दैट साइड, कि दुश्मन उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हियरिंग दिस न्यूज़ मैकबेथ इज़ डिस्टर्बिंग एंड स्कॉलफुली सेंड्स द सर्वेंट अवे, और सर्वेंट को वहाँ से भगा देता है। देन एन इंग्लिश द इंग्लिश आर्मी लेड बाय मेलकॉम एंड सेवार्ड इज़ एट बर्नम वुड। अब बर्नम वुड में इस जंगल में क्या होता है, जो सेवार्ड जो था इनका, जो जिसने साथ दिया था इंग्लिश आर्मी का जो जनरल था उसने, और ये मेलकॉम और मैकडफ ये सब आर्मी लेकर आ रहे थे। अब होता क्या है, मेलकॉम और ऑर्डर्स दैट एवरी सोल्जर शुड टेक ए ब्रांच ऑफ ट्री फ्रॉम बर्नम वुड एंड होल्ड इट बिफोर हिम, कि भाई सब लोग क्या करो, सारे सोल्जर सारे सैनिक क्या करो, इसके जो पेड़ों के एक एक ब्रांच को तोड़ लो और अपने आगे ले लो, ताकि इन दिस मैनर द आर्मी विल रीच मार्च विल मार्च टू फॉरवर्ड। आर्मी आगे कैसे बढ़ेगी, पेड़ों की ब्रांच को अपने आगे लगा लेगी। सो दैट मेलकॉम डिड इट हाइड द नंबर ऑफ सोल्जर्स, मेलकॉम ऐसे इसलिए करता है ताकि बहुत सारे सोल्जर्स को वो हाइड कर सके, इन ब्रांचेस के पीछे छुप छुप कर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड मेलकॉम मूव फॉरवर्ड विद दूस ब्रांचेस, इट अपीयर्स दैट बर्नम इज़ राइडिंग अगेंस्ट डनसीनन। और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो ये बर्नम जंगल है ना, ये आगे बढ़कर इस महल की तरफ जा रहा है। नाउ मेलकॉम इज श्योर ऑफ मैकबेथ्स रून, अब मेलकॉम श्योर हो जाता है कि अब तो मैकबेथ का विनाश निश्चित ही है। तभी क्या होता है कि मैकबेथ हैज़ शट हिमसेल्फ अप इन डनसीनन कैसल, मैकबेथ खुद को इस कासल में कैद कर लेता है, इस महल में कैद कर लेता है। तभी समवन कम्स एंड टेल्स हिम दैट हिज वाइफ इज़ डेड, कि उसकी वाइफ की भी मृत्यु हो चुकी है। मैकबेथ हैज़ बिकम इनडिफरेंट टू लाइफ, अब मैकबेथ को भी लाइफ से कोई लगाव नहीं रहता है। ओके, एट दिस टाइम ए मैसेंजर कम्स एंड टेल्स मैकबेथ डैट ही हैज़ सीन बर्नम वुड मूविंग टूवर्ड द कासल, एक मैसेंजर आके उसको बताता है कि अरे बर्नम का जंगल हमारे कासल हमारे महल की तरफ बढ़ रहा है। मैकबेथ डज नॉट बिलीव इट, मैकबेथ को विश्वास ही नहीं होता, बट वो सोचता है स्टिल ही रिमाइंड्स द प्रोफेसी ऑफ द विचेस, वो विचेस की प्रोफेसी को याद करता है, उनकी भविष्यवाणी को याद करता है। ओके, बट ही इज मीन्स ही इज स्टिल सेफ, उसको लगता है मैं अभी भी सेफ हूँ, बिकॉज हियर इज़ नो वन हु इज़ नॉट इन नेचुरल, मीन्स जो नेचुरल बॉर्न नहीं है वो अभी तक यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। देन ही आस्क हिज मैन टू बी रेडी फॉर द फाइनल बैटल, फिर भी वो अपने आदमी को कहता है ठीक है अब फाइनल लड़ाई के लिए सब तैयार हो जाओ। देन मैनकॉम्स आर्मी कम्स नियर मैकबेथ कासल, अब इनकी आर्मी धीरे धीरे यहाँ आ जाती है। ओके, नाउ मैकबेथ फाइंड हिमसेल्फ सराउंडेड ऑन ऑल साइड, अब मैकबेथ पाता है कि उसको घेर लिया गया है चारों तरफ से, ही cannot flee, वो भाग नहीं सकता, सो ही determines टू फाइट टू द लास्ट, अब वो लास्ट तक फाइट करने की सोचता है। ओके, अब मैकबेथ्स लास्ट होप इज़ दैट नो मैन बॉर्न ऑफ ए वुमेन कैन हार्म हिम, अब उसकी लास्ट होप क्या बचती है मैकबेथ की, कि वुमेन से नेचुरल बॉर्न हुआ इंसान उसको नहीं मार सकता, तो अभी तक वो सेफ है। द यंग सिवार्ड फाइट्स विद मैकबेथ एंड इज किल्ड नाउ, जो सिवार्ड होता है उसका जो बेटा होता है यंग सिवार्ड, वो भी मारा जाता है मैकबेथ के द्वारा। नाउ मैकबेथ बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट, अब उसमें और कॉन्फिडेंस आ जाता है। नाउ मैकडफ कम्स इन सर्च ऑफ मैकबेथ, मैकडफ आता है अब मैकबेथ की सर्च के लिए। ओके, अब मैकबेथ कहता है, सॉरी मैकबेथ को कहता है, ही सेज इफ मैकबेथ हैज ऑलरेडी बीन किल्ड द गोस्ट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड विल मेक हिम रेस्टलेस, कि यदि मैकबेथ किसी और के द्वारा मारा जाता तो मेरी पत्नी और बच्चे की तुमने हत्या की थी, उनकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलती, मतलब मैं ही तुम्हें मारूंगा। मैकडफ इज लुकिंग फॉर मैकबेथ, नाउ मैकडफ एंड मैकबेथ मीट एंड फॉल अपॉन ईच अदर, अब ये दोनों मिलते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं।
मैकबेथ इज़ अफ्रेड ऑफ मैकडफ. मैकबेथ को डर तो लगता है मैकडफ का, बट मैकडफ इज शॉक्ड टू सॉरी मैकबेथ वांस मैकडफ दैट ही कैन नॉट हार्म हिम एज ही वॉज बॉर्न ऑफ ए वुमेन. अब मैकबेथ उसको कहते हैं मुझे तुम नहीं मार सकते क्योंकि तुम तो एक वुमेन से बॉर्न हो, तो तुम मुझे कैसे मारोगे, वुमेन ने पैदा किया. लेकिन मैकबेथ इज शॉक टू लर्न दैट मैकडफ वॉज नॉट बॉर्न नेचुरली बट वॉज फ्रॉम हिज मदर्स फॉर्म अनटाइमली रिब्ड. लेकिन मैकबेथ शॉक्ड हो जाता है जब इसको पता चलता है कि मैकडफ नेचुरल बॉर्न नहीं होता, इसको तो उसकी मदर का पेट काट कर और ऑपरेशन सिजेरियन उसको निकाला गया था, वो भी अनटाइमली, मतलब टाइम पूरा नहीं हुआ था उससे पहले. तो नेचुरल बॉर्न नहीं है मैकडफ. ओके, हिज हार्ट सिंक्स डाउन. ये तो एकदम से इसका जो दिल होता है वो एकदम से बैठ जाता है. ओके, At first he refuses to fight with Macduff, but soon he becomes firm and says that he will not yield to Macduff. उसके बाद वो पहले तो लड़ाई के लिए ही मना कर देता है मैकबेथ, लेकिन फाइनल में लड़ाई होती है. Then Macduff now re-enters with the head of Macbeth, whom he has killed. अब Macduff स्टेज पर दिखाई देता है, Macduff मैकबेथ का सिर हाथ में लेकर और इसको ये मार देता है. The noble and the soldiers all rejoice in freedom. सभी खुश होते हैं अपनी आज़ादी से. Macduff greets Malcolm as king of Scotland. अब Macduff किसको बोलता है, Malcolm जो राजा का बेटा होता है उसको बोलता है king of Scotland. और अब ये इसको राजा बना दिया जाता है. ही डिक्लेयर्स रिवार्ड टू हिज फॉलोअर्स एंड पनिशमेंट टू हिज एनिमीज. अब ये जो उसके दोस्त होते हैं उनके लिए तो रिवार्ड, मतलब उनको तो अच्छे अच्छे प्राइज देता है, और जो उसके साथ बुरा करते हैं उनको पनिशमेंट देता है. सो इस तरह से हमें इस स्टोरी में क्या मॉरल मिलता है. द मॉरल ऑफ दिस ट्रेजेडी इज दैट एविल माइंडेड मैकबेथ इज डिफीटेड एंड किल्ड. ठीक है, जो बुरे दिमाग वाला मैकबेथ था वो लास्ट में हारा जाता है और मारा जाता है. द वर्चुअस मैलकॉम कम्स आउट विक्टोरियस, जबकि जो गुणी मैलकॉम था ये लास्ट में जीतता है. ओके, सो द प्ले डज नॉट एंड विद द डेथ ऑफ मैकबेथ अलोन बट इट सेट्स मैलकॉम ऑन द थॉर्न. मतलब बुराई की हार पे ही ये प्ले का अंत नहीं होता, मैकबेथ की डेथ पे ही, बल्कि अच्छाई की विजय दिखाई गई है इसमें. लास्ट में मैलकॉम को गद्दी पर बिठाया गया है. इट टीचेस द ऑडियंस दैट दे शुड अवॉइड एविल पाथ. इससे ये हमारे दर्शकों को ये बताती है कि हमें एविल बुरे पाथ पर नहीं जाना चाहिए. फॉर एवरी एविल पाथ जो है, एवरी एविल डीड मैन इज पनिश्ड नॉट ओनली बाय मैन बट आल्सो गॉड. क्योंकि हर बुरा पाथ ना केवल मनुष्य द्वारा बल्कि भगवान द्वारा भी पनिश किया जाता है. किया गया था ना, लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है, इनसेन हो जाती है, स्लीप वॉक करती है, नींदों में चलती है, लाइक दिस. ओके, बट देर इज़ नो पोएटिक जस्टिस इन शेक्सपियर्स प्ले. पोएटिक जस्टिस का मतलब है कि अच्छों के, बुरों को तो पनिशमेंट मिलता ही मिलता है. ओके, बट द इनोसेंट ऑल्सो सफ़र्स. लेकिन अच्छाई भी सफ़र करती है, जैसे कि मैकडफ की वाइफ और बच्चे का कोई दोष नहीं होता, फिर भी वो सफ़र करता ही करता है, करते हैं. ओके, सो इफ़ यू लाइक द स्टोरी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.